हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आ चुका हूँ आपके लिए बॉक्स फुल ऑफ स्टेशनरी कलेक्शन का वीडियो लेके गाइस। और हमेशा की तरह इस बॉक्स में डिफरेंट डिफरेंट टाइप की स्टेशनरी आइटम गाइस, बिना स्किप करे पूरी वीडियो एंड तक देखना, फिर आप मुझे कमेंट करके बताना आज का कलेक्शन आपको कैसा लगा गाइस। वीडियो अच्छा लगे तो कर देना वीडियो को लाइक दोस्तों, और चैनल को कर देना सब्सक्राइब, और सब्सक्राइब कर रखा है तो थैंक यू सो मच वी फैमिली तरफ से। तो चलो फटाफट इस बॉक्स को खाली करते हैं, देखते हैं इस बॉक्स में क्या क्या चीजें मिलती है और किस तरह की चीजें मिलती है दोस्तों। तो सबसे पहले देखो दोस्तों इसके अंदर हमें क्या मिलता है, ये देखो दोस्तों, एक मिलता है हमें BTS का पंखा, ये देख सकते हो काफी अच्छा पंखा मिल जाता है, और इस पंखे पे BTS की फोटो छपी। और कौन कौन दोस्तों BTS आ रहे हैं प्लीज दोस्तों मुझे कमेंट करके जरूर बताना। पिंक कलर का पंखा है दोस्तों, और ये पंखा नहीं है दोस्तों, ये है एक पंखे वाला पैन, वो कैसे चलो दिखाता हूं। तो दोस्तों आगे ढक्कन मिलता है, इस ढक्कन को खींचते हैं तो दोस्तों पैन की टिप ओपन हो जाती है, और इस पैन की टिप देख सकते हो कितनी पतली टिप है, काफी अच्छा पैन है दोस्तों। और फैन को भी हम बिल्कुल अलग हटा सकते हैं पैन से, ये देख सकते हो काफी जबरदस्त है, काफी अमेजिंग, और फैन की क्वालिटी भी काफी अच्छी है दोस्तों, डिजाइन देख सकते हो कितना अमेजिंग है। तो आपको ये फैन वाला पैन कैसा लगा दोस्तों प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताना। चलो साइड रखते और देखते हैं दोस्तों इस बॉक्स में हमें क्या मिलता है। तो इस बॉक्स में देखो दोस्तों हमें मिलता है एक पीकॉक, ये देख सकते हैं मोर, और दोस्तों ये मोर नहीं है, ये है एक मोर वाला पैन, वो कैसे चलो दिखाता हूं आपको। तो यहाँ ढक्कन ओपन होगा और यहाँ देख सकते हो दोस्तों हमें पैन की टिप मिल जाती है, काफी लंबी पैन की टिप मिलती है और काफी पतली मिल जाती है दोस्तों, मोर लुक में दोस्तों हमें पैन मिल जाता है काफी अच्छा सा, काफी प्यारा सा। चलो साइड रखते हैं और देखते हैं दोस्तों इस बॉक्स में हमें क्या मिलता है। तो इस बॉक्स में देखो दोस्तों हमें मिलता है एक आउल, ये देख सकते हैं आउल मिलता है, आउल को हिंदी में क्या बोलते हैं दोस्तों प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताना। और नीचे दोस्तों हमें मिलते हैं दो होल, और दोस्तों ये दो होल लिया, ये है दो दो शार्पनर आउल वाला, कैसे चलो दिखाता हूं। इसके अंदर हमें मिलते हैं कुछ इस तरह के शार्पनर, एक छोटा ब्लेड मिलता है, एक काफी बड़ा ब्लेड मिलता है दोस्तों, काफी अच्छी क्वालिटी का दोस्तों शार्पनर मिल जाता है। नीचे दोस्तों हमें होल मिल जाता है, एक थोड़ा छोटा होल है और एक थोड़ा बड़ा होल है दोस्तों, इनमें पेंसिल डालेंगे और फिर पेंसिल को शार्प करेंगे। तो आपको ये आउल वाला शार्पनर कैसा लगा दोस्तों प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताना। सो साइड रखते और देखते हैं दोस्तों इस बॉक्स में हमें क्या मिलता है और कैसी चीज मिलती है। तो इस बॉक्स में देखो दोस्तों हमें मिलता है एक जोकर वाला इरेजर, और वाह चलो फटाफट निकालते हैं बॉक्स से और देखते हैं ये इरेजर कैसी है और क्वालिटी कैसी है। तो ये देखो दोस्तों ये तो काफी जबरदस्त इरेजर है और जोकर वाला इरेजर है, और किस किस ने दोस्तों जोकर देखा है प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताना। और ये देख सकते हो जोकर काफी जबरदस्त और इरेजर है पूरा दोस्तों, और इसके बाल भी इरेजर है, नाक भी इरेजर है, पूरा पार्ट दोस्तों इरेजर का, ये देख सकते हो कितना खूबसूरत लग रहा है दोस्तों ये जोकर और ये इरेजर। तो आपको ये इरेजर कैसा लगा दोस्तों जोकर वाला प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताना। चलो साइड रखते और देखते हैं दोस्तों इस बॉक्स में हमें क्या मिलता है और कैसी चीज मिलती है। तो इस बॉक्स में देखो दोस्तों हमें मिलता है एक और मिलता है दोस्तों आउल, ये देख सकते हो, और ये इरेजर प्लस पेंसिल शार्पनर है आउल वाला। तो देखते हैं ये कैसा इरेजर है और उसके अंदर कैसा शार्पनर मिलता है। तो बॉक्स से निकालते इस आउल को, तो ये देखो दोस्तों कितना जबरदस्त लग रहा है, और ये पूरा दोस्तों ऊपर वाला पार्ट इरेजर है, नीचे दोस्तों हमें होल मिल जाता है, यानी पीछे दोस्तों हमें शार्पनर मिल जाता है। ये आउल वाला पेंसिल शार्पनर प्लस इरेजर सेट है, आपको कैसा लगा दोस्तों प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताना। तो साइड रखते और देखते हैं दोस्तों इस बॉक्स में हमें क्या मिलता है और कैसी चीज मिलती है। तो इस बॉक्स में देखो दोस्तों हमें मिलता है एक इंसेक्ट कीड़ा, और दोस्तों ये कीड़ा नहीं है, ये है एक करेक्शन टेप, ये देख सकते हो नीचे साफ साफ लिखा है करेक्शन टेप। चलो दिखाता आपको ये कीड़े वाला करेक्शन टेप, फिर आप मुझे बताना आपको ये कीड़े वाला करेक्शन टेप कैसा लगा दोस्तों। तो ढक्कन ओपन किया तो इसके अंदर देख सकते हो हमें मिलता है करेक्शन टेप, काफी अच्छा सा, काफी सुंदर सा लग रहा है, काफी पिटी लग रहा है दोस्तों, कीड़े वाला करेक्शन टेप मिल जाता है इस बॉक्स के अंदर। तो साइड रखते और देखते हैं दोस्तों इस बॉक्स में हमें क्या मिलता है, कैसी चीज मिलती है। तो इसके अंदर दोस्तों हमें मिलते हैं कैंडी, ये देख सकते हो स्वीट कैंडी है, और इसमें दोस्तों डबल टिप मिलेगी, एक हाईलाइटर मार्कर मिलेगा दोस्तों इसके अंदर। चलो दोस्तों इस कैंडी में देखते हैं हमें कैसे हाईलाइटर मिलता है और कैसी टिप मिलती है। तो ये देख सकते हो इधर हम टॉफी के पार्ट को खींचेंगे, तो इसे खींचा तो ये देखो दोस्तों ढक्कन ओपन हो गया। तो इस साइड दोस्तों हमें मिलता है फाइन टिप, ये देख सकते हो फाइन टिप मिल जाती है, कलर पैन मिल जाता है, काफी अच्छा चल भी रहा है, काफी सुंदर चल रहा है दोस्तों। चलो बंद करते हैं, पीछे वाले पार्ट को ओपन करते हैं, तो पीछे वाले टॉफी के पार्ट को खींचा तो ये देखो दोस्तों इधर मिलते हैं हमें दोस्तों हाईलाइटर मार्कर, ये देखो दोस्तों हाईलाइटर मार्कर मिल जाता है, काफी जबरदस्त है। कैंडी वाला आपको डुअल सेट कैसा लगा दोस्तों प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताना। चलो साइड रखते और देखते दोस्तों इस बॉक्स में हमें क्या मिलता है और कैसी चीज मिलती है। तो इसके अंदर देखो दोस्तों हमें मिलते हैं एवेंजर की बॉटल्स दोस्तों, ये देख सकते हो काफी जबरदस्त। टोटल गाइस इस पैकेट में हमें 1 2 3 4 5 6 बॉटल मिलेंगे। चलो देखते हैं 6 बॉटल में हमें क्या मिलता है और कैसी चीज मिलती है। तो ये देखो दोस्तों एक बॉटल को निकाल लिया,
तो इस बोतल पे दोस्तों हमें एवेंजर की फोटो देखने को मिल जाती है और ढक्कन में दोस्तों हमें सीक्वेंस भरे मिल जाते हैं दोस्तों। और देख सकते हो सारे बोतल में दोस्तों हमें अलग अलग कलर के सीक्वेंस मिलते हैं और जिस कलर के दोस्तों सीक्वेंस मिलेंगे उसी कलर के दोस्तों इसके अंदर हमें कलर मिलेंगे। वो कैसे, चलो दिखाता हूँ। तो ढक्कन ओपन किया तो ये देख सकते हो ऊपर हमें सीक्वेंस येलो कलर का मिला, तो इसके अंदर मिलता हमें येलो कलर का हाइलाइटर टिप। ये देख सकते हो काफी जबरदस्त है, काफी अमेजिंग है। बॉटल लुक में दोस्तों हाइलाइटर मिल गया, एवेंजर का हाइलाइटर सेट है। तो आपको ये एवेंजर का हाइलाइटर सेट कैसा लगा दोस्तों, प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताना। तो साइड रखते हैं और देखते हैं दोस्तों इस बॉक्स में हमें क्या मिलता है और कैसी चीज मिलती है। तो इस बॉक्स में देखो दोस्तों हम मिलते हैं छोटी सी कैंडी, ये देख सकते हो। और दोस्तों ये कैंडी नहीं है, ये भी है एक हाइलाइटर सेट कैंडी वाला। वो कैसे, चलो दिखाता हूं। तो बीच के पार्ट को दोस्तों इस तरह पकड़ेंगे फिर इस तरह खींचेंगे तो ढक्कन ओपन हो जाएगा और इसके अंदर की टिप देखो दोस्तों कितनी जबरदस्त है। चलाते हैं तो ये देखो दोस्तों कितना अच्छा चल रहा है, काफी सुंदर है दोस्तों हाइलाइटर कैंडी वाला हाइलाइटर सेट है। चलो साइड रखते हैं और देखते हैं दोस्तों इस बॉक्स में हमें क्या मिलता है और कैसी चीज मिलती है। तो इस बॉक्स में देखो दोस्तों हमें मिलते हैं एक हेलो किटी की ज्योमेट्री बॉक्स, ये देख सकते हो काफी प्यारी ज्योमेट्री बॉक्स है। यहां देख सकते हो दोस्तों एक लॉक मिलता है, इस लॉक को ओपन किया तो ये देखो दोस्तों इसमें मिलता हमें एक शार्पनर कंपार्टमेंट, काफी अच्छा शार्पनर कंपार्टमेंट मिल जाता है। और पीछे भी दोस्तों हमें एक लॉक मिलता है, इस लॉक को भी खींचा तो ये देखो दोस्तों एक खाली कंपार्टमेंट मिल गया और इसकी गहराई काफी अच्छी है। इस कंपार्टमेंट में दोस्तों हम अपनी इरेजर रख लेंगे। चलो अब ढक्कन ओपन करते हैं, उससे पहले देख सकते हो ये ज्योमेट्री बॉक्स के कान बन गए दोस्तों दोनों कंपार्टमेंट। चलो ढक्कन ओपन करते हैं, देखते हैं कितना स्पेस है। पहले वाले ढक्कन को ओपन किया तो ये देखो दोस्तों पहले वाले ढक्कन को ओपन करते हैं, इसमें मिलता हमें कैलकुलेटर, काफी अच्छा कैलकुलेटर मिल जाता है दोस्तों, काफी जबरदस्त। और ये कैलकुलेटर 360 रोटेट भी हो रहा है, ये देख सकते हो। और इस कैलकुलेटर को इस तरह रोटेट करके आगे कर लेंगे फिर हम इस कैलकुलेटर पे कुछ भी वर्क कर सकते हैं। चलो सेकंड ढक्कन को ओपन करते हैं, देखते हैं कितना स्पेस है। तो सेकंड ढक्कन को ओपन किया तो एक कंपार्टमेंट मिलता है और इस कंपार्टमेंट में तीन सेक्शन मिलते हैं और एक सेक्शन में दोस्तों हमें एक दो तीन चार पांच पांच पेंसिल लॉक मिल जाता है, छोटा सेक्शन मिलता है, एक काफी बड़ा सेक्शन मिल जाता है। गहराई की बात करें तो गहराई काफी अच्छी है इस कंपार्टमेंट की दोस्तों। इसे बंद करते हैं, पीछे वाले ढक्कन को ओपन करते हैं यानी तीसरे कंपार्टमेंट को। तो तीसरे ढक्कन को ओपन किया तो ये देखो दोस्तों इसमें मिलता है एक कंपार्टमेंट और इस कंपार्टमेंट में दोस्तों हमें दो सेक्शन देखने को मिल जाते हैं। ये देख सकते हैं दोनों सेक्शन की गहराई काफी अच्छी है और काफी सारा स्टेशनरी आइटम आ जाएगा दोस्तों। हेलो की ज्योमेट्री बॉक्स है दोस्तों, चलो साइड रखते हैं और देखते हैं दोस्तों इस बॉक्स में हमें क्या मिलता है, कैसी चीज मिलती है। तो इस बॉक्स में देखो दोस्तों हमें मिलते हैं एक और हेलो किटी की ज्योमेट्री बॉक्स, ये देख सकते हो ये भी काफी सुंदर ज्योमेट्री बॉक्स है, काफी प्यारी है। चलो ढक्कन ओपन करते हैं, देखते हैं कितना स्पेस है। तो उससे पहले देखो दोस्तों इस ज्योमेट्री बॉक्स में भी दोस्तों हमें लॉक मिल जाता है, ये देख सकते हो इधर भी लॉक मिल जाता है। और इस लॉक को ऊपर करते हैं तो यहां देखो दोस्तों यहां पे भी हमें शार्पनर कंपार्टमेंट मिल गया और पीछे दोस्तों एक और लॉक, इस लॉक को भी ओपन किया तो यहां देख सकते हो दोस्तों हमें खाली कंपार्टमेंट मिल जाता है, बिल्कुल सेम ज्योमेट्री बॉक्स है दोस्तों। और इसके पीछे दोस्तों हमें कुछ और चीज मिलेगा, वो कैसे, चलो दिखाता हूं। तो इसका ढक्कन ओपन किया तो इस वाले कंपार्टमेंट में दोस्तों हमें मिलता है पियानो, ये देख सकते हो पियानो मिल जाता है, काफी जबरदस्त। और इस वाले हेलो किटी ज्योमेट्री बॉक्स में हमें कैलकुलेटर मिला था और इस वाले ज्योमेट्री बॉक्स में हमें पियानो मिला है दोस्तों। तो आपको कैलकुलेटर वाले ज्योमेट्री बॉक्स ज्यादा अच्छी लग रही है या पियानो वाली ज्योमेट्री बॉक्स ज्यादा अच्छी लग रही है, प्लीज दोस्तों मुझे कमेंट करके जरूर बताना। और ये पियानो फिलहाल तो अभी नहीं चल रहा, क्यों नहीं चल रहा, तो यहां दोस्तों हम ट्रिपल ए की दो बैटरी लगाएंगे फिर पियानो ऑन हो जाएगा दोस्तों और यहां ऑन ऑफ का बटन मिल जाता है दोस्तों। काफी जबरदस्त पियानो मिल जाता है हमें इस ज्योमेट्री बॉक्स में और पियानो दोस्तों हमें किसी भी ज्योमेट्री बॉक्स में नहीं मिलता। चलो ढक्कन ओपन करते हैं, ढक्कन ओपन किया तो यहां देख सकते हो एक कंपार्टमेंट है और इस कंपार्टमेंट में तीन सेक्शन है और तीनों सेक्शन की गहराई काफी अच्छी है दोस्तों। और पहले सेक्शन में हमें एक दो तीन चार पांच पांच पेंसिल लॉक भी मिल जाता है। चलो बंद करते हैं, पीछे वाले ढक्कन को ओपन करते हैं, पीछे वाले ढक्कन को ओपन किया तो पीछे वाले ढक्कन में दोस्तों हमें केवल एक कंपार्टमेंट मिलता है, ये देख सकते हो गहराई काफी अच्छी है, काफी सारे स्टेशनरी आइटम आ जाएगा दोस्तों। तो आपको ये हेलो किटी की पहने वाली ज्योमेट्री बॉक्स कैसी लगी दोस्तों, प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताना। तो साइड रखते और देखते हैं दोस्तों इस बॉक्स में हमें क्या मिलता है और कैसी चीज मिलती है। तो इस बॉक्स में देखो दोस्तों हमें मिलता है एक स्पाइडरमैन का स्टेशनरी किट और ये देख सकते हो काफी लंबी स्टेशनरी किट है। चलो फटाफट करते हैं, देखते हैं इस स्टेशनरी किट में हमें क्या क्या चीज मिलती है, कितनी चीजें मिलती है। और इसमें दोस्तों एक हैंडल मिल जाता है जिससे काफी इजी से कैरी करके चल सकते हैं इस स्टेशनरी सेट को। तो ट्रेन निकालते हैं, तो ट्रेन निकाला तो ये देखो दोस्तों इसके अंदर हमें कितनी आइटम मिली दोस्तों, तो इसके अंदर हमें एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ नौ आइटम मिलते हैं। सबसे पहले देखो दोस्तों इसके अंदर हमें क्या मिलते हैं, तो इसके अंदर दोस्तों हमें मिलते हैं दो दो पेंसिल, ये देख सकते हो दो स्पाइडरमैन की पेंसिल मिल जाती है, दोनों पेंसिल के ऊपर स्पाइडरमैन की फोटो छपी है, गोल वुडन पेंसिल है, साइज की
की बात करें साइज भी काफी अच्छा है पेंसिल का दोस्तों। तो साइड रखते और क्या मिलता है इसके अंदर, तो इसके अंदर दोस्तों हमें स्पाइडरमैन का पजल सेट मिल जाता है, ये देख सकते हो काफी सुंदर सा पजल सेट मिल जाता है। तो साइड रखते और देखते दोस्तों इस बॉक्स में हमें क्या मिलता है, तो इस स्टेशनरी किट में दोस्तों हमें मिलता है एक बॉक्स, ये देख सकते हो एक स्पाइडरमैन का बॉक्स मिलता है। चलो देखते इस बॉक्स में हमें क्या मिलता है, कैसी चीज मिलती है। तो इसके अंदर देखो दोस्तों हमें मिलते हैं लेगो, ये देखो दोस्तों लेगो मिल जाते हैं, जिससे गाइस हम अपना टाइम पास कर सकते हैं इस लेगो बनाने में। और लेगो कैसे बनाएंगे, तो इसमें दोस्तों एक मैनुअल गाइड दी हुई है, इस गाइड को देख के दोस्तों हम लेगो को सेट करेंगे, काफी जबरदस्त। चल साइड रखते हैं और देखते हैं दोस्तों क्या मिलता है इसके अंदर। तो इसके अंदर देखो दोस्तों हमें मिलते हैं वैक्स क्रियोल्स कलर, ये देख सकते हो वैक्स क्रियोल्स कलर मिलते हैं। वैक्स क्रियोल्स कलर कितने मिलते हैं, तो 6 कलर के वैक्स क्रियोल्स कलर मिलेंगे। साइज की बात करते हैं तो साइज कैसे हैं इन वैक्स क्रियोल्स कलर के, तो ये देखो दोस्तों साइज काफी अच्छे है, क्वालिटी तो वाकई में काफी अच्छे इन वैक्स क्रियोल्स कलर की। और सारे वैक्स क्रियोल्स कलर के ऊपर स्पाइडरमैन की फोटो छपी है दोस्तों। चलो साइड रखते हैं और देखते हैं दोस्तों क्या मिलता है इसके अंदर। तो इसके अंदर दोस्तों हमें मिलते हैं स्पाइडरमैन की एक नोटबुक, ये देख सकते हो काफी अच्छी नोटबुक मिल जाती है। और ये नोटबुक नहीं है दोस्तों, ये है एक ड्रॉइंग बुक, काफी अच्छी सी ड्रॉइंग बुक मिल जाती है स्पाइडरमैन की। चलो साइड रखते हैं और क्या मिलता है इसके अंदर। तो इसके अंदर देखो दोस्तों हमें स्पाइडरमैन की मिलती है ज्योमेट्री बॉक्स, ये देख सकते हो काफी अच्छी ज्योमेट्री बॉक्स मिलती है। और इस ज्योमेट्री बॉक्स के पीछे हमें अल्फाबेट देखने को मिल जाते हैं, साथ ही दोस्तों टेबल देखने को मिल जाते हैं ज्योमेट्री बॉक्स के पीछे। चलो ढक्कन ओपन करते हैं, देखते हैं कितना स्पेस है। ढक्कन ओपन किया तो इस ज्योमेट्री बॉक्स में दोस्तों एक ही कंपार्टमेंट मिलता है, गहराई काफी अच्छी है, काफी सारा स्टेशनरी आइटम आ जाएगा दोस्तों इस छोटी सी ज्योमेट्री बॉक्स के अंदर गहराई की वजह से। चलो साइड रखते हैं और देखते हैं दोस्तों इस बॉक्स में हमें क्या मिलता है। तो इस बॉक्स में देखो दोस्तों हमें मिलता है एक स्पाइडरमैन का रूलर, ये देख सकते हो 15 सेंटीमीटर का रूलर मिल जाता है, क्वालिटी काफी जबरदस्त है। और इस रूलर पे भी दोस्तों हमें स्पाइडरमैन की फोटो देखने को मिल जाती है। चलो साइड रखते हैं और देखते हैं दोस्तों क्या मिलता है इसके अंदर। इस ट्रे में दोस्तों हमें मिलते हैं एक स्पाइडरमैन की रेड कलर की इरेजर, ये देख सकते हो रेड कलर की रेजर मिल जाती है। और क्या मिलता है इसके अंदर, तो इसके अंदर दोस्तों हमें मिल जाता है एक शार्पनर, ये देख सकते हो काफी अच्छा शार्पनर मिल जाता है, रेड कलर का ही शार्पनर मिलता है और रेड कलर की इरेजर मिलते हैं, क्योंकि स्पाइडरमैन रेड कलर का होता है दोस्तों, इसीलिए सारी स्टेशनरी आइटम रेड कलर की मिलती थी। चलो साइड रखते हैं और देखते हैं दोस्तों इस बॉक्स में क्या चीज मिलती है। और आपको स्पाइडरमैन का स्टेशनरी किट कैसा लगा दोस्तों, प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताना। और देखते हैं दोस्तों इस बॉक्स में हमें क्या मिलता है। तो इस बॉक्स में देखो दोस्तों हमें मिलती है एक बीटीएस की ज्योमेट्री बॉक्स, ये देख सकते हो काफी बड़ी ज्योमेट्री बॉक्स मिलती है, ऊपर बीटीएस की फोटो छपी है। यहां देखते हो दोस्तों हमें पुश का बटन मिलता है, तो पुश करते हैं, पुश करते ही देख सकते हो ढक्कन ओपन हो जाता है, ये देख सकते हो ढक्कन ओपन होते ही यहां देख सकते हो अंदर का इंटरफेस काफी जबरदस्त है। और इस ज्योमेट्री बॉक्स में हमें काफी बड़ा एक व्हाइट बोर्ड मिल जाता है, यहां देख सकते हो दोस्तों हमें 3 सेक्शन मिल जाते हैं और एक सेक्शन में दोस्तों हमें मार्कर मिल जाता है। इस मार्कर की सहायता से हम अपने व्हाइट बोर्ड पे कुछ भी वर्क कर सकते हैं, काफी अच्छा मार्कर मिल जाता है। मार्कर के साथ दोस्तों हमें व्हाइट बोर्ड भी मिल जाता है, ये देख सकते हो दो छोटे छोटे सेक्शन है, इन दोनों सेक्शन में हम अपने इरेजर या शार्पनर रख सकते हैं दोस्तों। और यहाँ देखो दोस्तों हमें एक लॉक मिलता है, ये देख सकते हो लॉक मिल जाता है, और इस लॉक पे दोस्तों हम अपनी बुक को रखेंगे, फिर काफी अच्छे से स्टडी कर सकते हैं, यहाँ बुक रख लेंगे और यहाँ हम अपना कुछ भी रफ वर्क कर सकते हैं इस व्हाइट बोर्ड पे। तो बुक सेल्फ ज्योमेट्री बॉक्स है दोस्तों बीटीएस की। चल साइड रखते हैं और देखते हैं दोस्तों इस बॉक्स में हमें क्या मिलता है, कैसी चीज मिलती है। तो इस बॉक्स में देखो दोस्तों हमें मिलता है कैप्टन अमेरिका की ज्योमेट्री बॉक्स, और इस ज्योमेट्री बॉक्स के ऊपर हमें कैलकुलेटर मिल जाता है। और यहाँ देखो दोस्तों हमें दो दो शार्पनर मिल जाता है, एक छोटा शार्पनर मिलता है, एक बड़ा शार्पनर मिलता है दोस्तों। छोटा शार्पनर होता है हमारी कलर पेंसिल को शार्प करने के लिए, और बड़ा शार्पनर होता है हमारी एचबी पेंसिल को शार्प करने के लिए। चलो ढक्कन ओपन करते देखते कितना स्पेस है। तो ढक्कन ओपन किया तो अंदर का इंटरफेस देख सकते हो काफी जबरदस्त है। और यहाँ देखो दोस्तों हमें 1 2 3 4 5 पेंसिल लॉक मिल जाता है, इस तरह से हम अपनी पेंसिल को लॉक करके रख सकते हैं दोस्तों। और इसे मैंने अपनी तरफ से पेंसिल को लॉक करके रख रखा है दोस्तों। और यहाँ देखो दोस्तों हमें मिलता है एक लैंप, ये देख सकते हो काफी जबरदस्त लैंप मिल जाता है, और रोशनी देख सकते हो कितनी ज्यादा इस लैंप की, यानी लाइट भी चली जाएगी फिर भी हमें कोई दिक्कत नहीं होगी, बस लैंप को जला देंगे फिर स्टडी कर सकते हैं दोस्तों। तो काफी अच्छा लैंप भी मिल जाता है और स्पेस भी काफी अच्छा मिल जाता है इस कंपार्टमेंट के अंदर। चलो बंद करते हैं, पीछे वाला ढक्कन ओपन करते हैं। तो पीछे वाला ढक्कन ओपन किया तो यहां देख सकते हो एक कंपार्टमेंट है, इस कंपार्टमेंट का स्पेस भी देख सकते हो काफी अच्छा है। और इस कंपार्टमेंट में दोस्तों हमें टेबल देखने को मिल जाता है, काफी सुंदर ज्योमेट्री बॉक्स है, काफी प्यारे। इस ज्योमेट्री बॉक्स में हमें कैलकुलेटर भी मिल गया, शार्पनर भी मिल गया, लाइट भी मिल गई दोस्तों, पेंसिल लॉक भी मिल गया, स्पेस भी काफी अच्छा मिल जाता है इस कैप्टन अमेरिका ज्योमेट्री बॉक्स के अंदर। चलो साइड रखते और देखते हैं दोस्तों इस बॉक्स में हमें क्या मिलता है, कैसी चीज मिलती है। तो इसके अंदर मिलता है हमें बारहवीं की एक ज्योमेट्री बॉक्स, ये भी ज्योमेट्री बॉक्स काफी प्यारी है, काफी सुंदर ज्योमेट्री बॉक्स है। यहाँ देख सकते हो हमें होल मिलता है और ये है शार्पनर कंपार्टमेंट। यहाँ दोस्तों लॉक, इस लॉक को खींचा तो ये देखो दोस्तों शार्पनर बाहर, काफी जबरदस्त है। यहाँ दोस्तों एक और लॉक मिलता है, इस लॉक को खींचा तो यहाँ दोस्तों हमें खाली कंपार्टमेंट मिल जाता है, इस कंपार्टमेंट में दोस्तों हम अपनी इरेजर रख सकते हैं। चलो ढक्कन ओपन करते देखते हैं
कितना स्पेस है। तो ढक्कन ओपन किया तो ये देखो दोस्तों, इसमें हमें स्टेशनरी आइटम फ्री में मिल जाती है, जैसे पेंसिल फ्री में मिल गई इसके अंदर। इसके अंदर दोस्तों में टाइम टेबल का एक शेड्यूल मिल गया फ्री में, और इसमें 15 सेंटीमीटर का बारहवीं का रूलर भी फ्री में मिल गया, ये देख सकते हो। या देख सकते हो कंपार्टमेंट है, और इस कंपार्टमेंट में हमें तीन तीन पेंसिल लॉक देखने को मिल जाते हैं, काफी जबरदस्त है। चलो इसे बंद करते हैं और देखते हैं पीछे वाले ढक्कन में हमें क्या मिलता है, कितना स्पेस मिलता है। तो पीछे वाला ढक्कन ओपन किया तो यहाँ देखो दोस्तों हमें एक और कंपार्टमेंट मिल जाता है। इस कंपार्टमेंट की गहराई काफी अच्छी है और काफी सारा स्टेशनरी आइटम आ जाएगा दोस्तों इस ज्योमेट्री बॉक्स के अंदर। तो बारहवीं की ज्योमेट्री बॉक्स है, तो आपको ये बारहवीं की ज्योमेट्री बॉक्स कैसी लगी दोस्तों प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताना। सो साइड रखते हैं और देखते हैं दोस्तों इस बॉक्स में हमें क्या मिलता है और कैसी चीज मिलती है। तो इस बॉक्स में देखो दोस्तों हमें मिलते हैं सिंगापुर की एक ज्योमेट्री बॉक्स दोस्तों, काफी अच्छी ज्योमेट्री बॉक्स है और ऐसी ज्योमेट्री बॉक्स आपने कभी भी नहीं देखी होगी। वो क्यों, चलो दिखाता हूँ। तो इसका ढक्कन ओपन करते हैं तो ये देखो दोस्तों इसके अंदर हमें क्या मिलता है। तो इस बॉक्स में दोस्तों हमें मिलते हैं स्टेशनरी आइटम, ये देख सकते हो स्टेशनरी आइटम मिलते हैं। कितनी चीजें मिलती है चलो काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 और 7 आइटम मिलती है। चलो दिखाता हूँ आपको 1 by 1 7 आइटम कौन कौन सी है। तो सबसे पहले देख सकते हो इसके अंदर हमें सिंगापुर की दो पेंसिल मिल जाती है। साइज की बात करें, साइज काफी अच्छा, और ये देख सकते हो वुडन पेंसिल, क्वालिटी कितनी जबरदस्त है इन पेंसिल की। और क्या मिलता है इसके अंदर, तो इसके अंदर दोस्तों हमें कंटेनर मिलता है, और ये कंटेनर दिया दोस्तों ये है एक शार्पनर सेट, ये देख सकते हो शार्पनर वाला कंपार्टमेंट मिल जाता है इसके अंदर। और क्या मिलता है दोस्तों इसके अंदर, तो इसके अंदर दोस्तों हमें मिलता है एक सिंगापुर का पेन, ये देख सकते हो काफी अच्छा पेन मिल जाता है, काफी सुंदर पेन मिलता है। और ये टिप देखो दोस्तों कितनी जबरदस्त है। और क्या मिलता है इसके अंदर, इस बॉक्स के अंदर दोस्तों हमें मिलता है 15 सेंटीमीटर का रूलर एक, देख सकते हो ये भी सिंगापुर का रूलर है दोस्तों, काफी अच्छी क्वालिटी का दोस्तों रूलर मिल जाता है। इस साइड रखते हैं और क्या मिलता है इसके अंदर, तो इसके अंदर देखो दोस्तों हमें एक इरेजर मिल जाती है, काफी अच्छी इरेजर मिल जाती है। और क्या मिलता है इसके अंदर, तो इसके अंदर देखो दोस्तों हमें एक बॉक्स मिलता है, और इसके अंदर देखो दोस्तों हमें क्या मिलेगी, HB नीडल्स मिलेंगी, ये देख सकते हो काफी जबरदस्त यार, काफी अमेजिंग पतली पतली नीडल मिल गई HB की दोस्तों, काफी जबरदस्त है यार, काफी अच्छा बॉक्स मिल गया और काफी सारी नीडल मिल जाती है इस बॉक्स के अंदर। चलो साइड रखते हैं और क्या मिलता है इसके अंदर, तो इसके अंदर देखो दोस्तों हमें ये क्या मिला दोस्तों, निकालते हैं बॉक्स से तो ये देखो दोस्तों सिंगापुर का हमें मिलता है एक ID कार्ड, काफी जबरदस्त यार, काफी अमेजिंग ID कार्ड मिल जाता है। चलो साइड रखते हैं और क्या मिलता है इस बॉक्स के अंदर, तो बॉक्स हो गया खाली, और इस बॉक्स में दोस्तों हम अपना कुछ भी स्टेशनरी आइटम रख सकते हैं, काफी अच्छा बॉक्स है, मेटल का दोस्तों बॉक्स है दोस्तों। चलो साइड रखते हैं और देखते हैं दोस्तों इस बॉक्स में हमें क्या मिलता है। तो इस बॉक्स में दोस्तों हमें मिलता है एक स्काई ट्रेवल की ज्योमेट्री बॉक्स, ये देख सकते हो काफी अच्छी ज्योमेट्री बॉक्स मिलती है। और इस ज्योमेट्री बॉक्स में दोस्तों हमें 1 2 3 4 बटन मिलते हैं, चार बटन का यूज देखते हैं। तो पहले बटन पे देख सकते हो इरेजर लिखा है, सेकंड बटन पे सीजर लिखा है, तीसरे बटन पे पेंसिल शार्पनर लिखा है, और फोर्थ बटन पे दोस्तों हमें टेप कटर लिखा मिल जाता है दोस्तों। चलो पहले बटन को दबाते हैं, तो पहले बटन को दबाया तो ये कंपार्टमेंट बाहर आता है, और इस कंपार्टमेंट में दोस्तों हम अपनी इरेजर रख सकते हैं, काफी जबरदस्त है। चलो बंद करते हैं, सेकंड बटन को दबाते हैं जिसपे सीजर लिखा है, सेकंड बटन को दबाया तो ये देखो दोस्तों सीजर कंपार्टमेंट बाहर, और इस कंपार्टमेंट में दोस्तों हमें पेपर कट सीजर भी मिल जाता है, ये देख सकते हो काफी अमेजिंग, काफी जबरदस्त सीजर कंपार्टमेंट बिल्कुल अलग मिल चुका है। चलो बंद करते हैं, फोर्थ बटन को दबाते हैं, नहीं तीसरे बटन को दबाते हैं, तीसरे बटन को दबाते हैं, यहाँ देख सकते हो दोस्तों हमें दो सेक्शन मिलता है, एक सेक्शन में दोस्तों हमें शार्पनर मिल जाता है, एक खाली सेक्शन मिल जाता है जिसमें दोस्तों हम अपनी रेजर कुछ चीज रख सकते हैं, तो ये तो काफी जबरदस्त है। चलो फोर्थ बटन को दबाते हैं, फोर्थ बटन को दबाते हैं तो इसके अंदर देखो दोस्तों हमें मिलती है टेप, और साथ ही मिलता है हमें टेप कटर भी, ये देखो दोस्तों काफी जबरदस्त है। चलो चारों बटन को दबाने के बाद दिखाता हूँ कैसी ज्योमेट्री बॉक्स लगती है दोस्तों, तो चारों बटन को दबा लेते हैं अच्छे से। तो ये देखो दोस्तों चारों बटन को दबा लिया, तो चारों बटन को दबाने के बाद ये ज्योमेट्री बॉक्स कुछ तरह की लगती है। चलो ढक्कन ओपन करते हैं, देखते हैं कितना स्पेस है। तो ढक्कन ओपन किया तो अंदर का इंटरफेस देख सकते हो काफी जबरदस्त है। यहां देखो दोस्तों एक पॉकेट मिल जाता है जिसमें गाइस हम अपना क्लास शेड्यूल लिख के रख सकते हैं, और इसमें दोस्तों हम अपना आईडी कार्ड भी लगा के रख सकते हैं। और इस कंपार्टमेंट में देखो दोस्तों हमें पेंसिल लॉक भी मिल जाता है, और इस लॉक में हम 5 पेंसिल को लॉक करके रख सकते हैं। यहां देख सकते हो रूलर लिखा है और ऊपर एरो का निशान है, तो इस एरो को दोस्तों हम दबाएंगे तो ये देखो दोस्तों क्या हुआ, तो दबाया तो साइड से निकलता है एक रूलर, ये देख सकते हो रूलर निकल जाता है, और 18 सेंटीमीटर का रूलर मिलता है, और हिडन कंपार्टमेंट में दोस्तों हमें रूलर मिल जाता है, ये देख सकते हो किसी को पता भी नहीं चलेगा हमारी ज्योमेट्री बॉक्स में रूलर रखा हुआ है दोस्तों, तो इसे बस स्लाइड करेंगे फिर रूलर निकल जाएगा दोस्तों इस तरह से। अगेन दिखाता हूं आपको अच्छे से, तो ये देखो दोस्तों स्लाइड किया और ये देखो दोस्तों रूलर निकल गया बाहर, काफी जबरदस्त है, काफी अमेजिंग है। तो आपको स्काई ट्रेवल की ज्योमेट्री बॉक्स कैसी लगी दोस्तों प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताना। और इस ज्योमेट्री बॉक्स में पीछे दोस्तों हमें कोई सा भी ढक्कन नहीं मिलता है दोस्तों। चल साइड रखते हैं और देखते हैं दोस्तों इस बॉक्स में हमें क्या मिलता है, कैसी चीज मिलती है।
मिलते। तो इस बॉक्स में देखो दोस्तों हमें मिलती है एक कार, ये देख सकते हो, और ये कार नहीं है दोस्तों, ये है सूटकेस लुक में दोस्तों एक ज्योमेट्री बॉक्स, काफी जबरदस्त ज्योमेट्री बॉक्स है, काफी अच्छी है। चलो ढक्कन ओपन करते देखते कितना स्पेस है। तो ढक्कन ओपन किया तो ये देखो दोस्तों एक कंपार्टमेंट मिलता है, कंपार्टमेंट की गहराई काफी अच्छी, काफी सारे स्टेशनरी आइटम आ जाएगा दोस्तों इस ज्योमेट्री बॉक्स में, काफी जबरदस्त ज्योमेट्री बॉक्स है सूटकेस लुक और कार लुक में दोस्तों ये ज्योमेट्री बॉक्स है। चलो साइड रखते हैं और देखते हैं दोस्तों इस बॉक्स में हमें क्या मिलता है। तो बॉक्स हो गया खाली। आज इस बॉक्स में दोस्तों हमें एक से बढ़कर एक स्टेशनरी आइटम मिली। आपको सबसे अच्छी स्टेशनरी आइटम कौन से लगी दोस्तों प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो अच्छा लगे तो कर देना वीडियो को लाइक। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छी वीडियो के साथ, अच्छे से कलेक्शन के साथ, अच्छे से अनबॉक्सिंग के साथ। जब तक बाय बाय दोस्तों।